हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली जो बैंकिंग्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको इनपुट आउटपुट की। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मतलब अदा करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, मगर आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर ले अच्छे से तो फिर आप इसमें 5 में 5 मार्क्स का स्कोर ला सकते हैं। इनपुट आउटपुट एक्चुअली होता क्या है? तो इनपुट आउटपुट में हमारा जो होता है वो इनपुट हमारा एक दिया रहता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है कुछ वर्ड्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं जिनको जो है स्टेप बाय स्टेप हमें अरेंज करना रहता है। अगर स्टेप वन में अगर मान लीजिए सपोज कि अगर वर्ड्स हमारे अरेंज हो रहे हैं तो हो सकता है कि सेकेंड स्टेप में हमारे नंबर्स हो रहे हों, या फिर फर्स्ट ही स्टेप में हमारे नंबर और हमारे वर्ड्स दोनों एक साथ अरेंज हो रहे हो, फिर सेकेंड स्टेप में कुछ कोई दूसरा ही अरेंजमेंट हो, थर्ड स्टेप में कोई और अरेंजमेंट हो। इस तरह से जो है वो लास्ट वो अरेंजमेंट तब तक चलते रहता है जब तक हमारा एक लास्ट जो है वो अरेंजमेंट नहीं आ जाता है। तो इस पे बेस्ड जो है एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद आप इनपुट आउटपुट को समझ सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इनपुट दिया गया है। इनपुट है हमारा 30 ओवरकम ADO 67 18 लाई सो 85 74 एंड कम। ये हमारा जो है इनपुट दिया है उसके पे बेस्ड कुछ अरेंजमेंट किया गया है इसमें और ये स्टेप 5 तक चला है। जब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की तो अरेंजमेंट जब भी हमारे दिमाग में अरेंजमेंट आए तो सबसे पहले हम लोग लास्ट स्टेप को देखते हैं कि लास्ट स्टेप में हो क्या रहा है। जनरली जब आप लास्ट स्टेप को देखेंगे और आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट स्टेप को देखेंगे। पहले आप इनपुट को देखिए, इसमें नंबर कहीं है और लेटर कहीं है, ये दोनों कहीं कहीं पे है, कहीं पे भी है। अगर आप लास्ट स्टेप को देखते हैं तो देखिए पहले सारे वर्ड्स जो है वो अरेंज हो गए हैं और उसके बाद नंबर्स भी अरेंज हो गए हैं। इट मीन्स कि इसमें हमारा नंबर एंड वर्ड्स दोनों का अरेंजमेंट है। ओके, तो पहले देखिए यहाँ पे S है, यहाँ O है, यहाँ L है, यहाँ C है, यहाँ A है। इट मीन्स कि हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, हमारा ये वर्ड्स वाला जो है हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और हमारा ये नंबर भी जो है ये यहाँ से डिक्रीज होकर के लास्ट 3 तक आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टेप 1 को देखते हैं कि आखिर स्टेप 1 में क्या हो रहा है। तो स्टेप 1 में देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एडमिट है और हमारा जो इनपुट है उसमें एडमिट कहीं लिखा नहीं है। इट मीन्स यहाँ ADO है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो हमारा स्टार्ट में आ गया। ओके, फर्स्ट अल्फाबेट ही नहीं सिर्फ स्टार्ट में आया, ये नंबर तो यहाँ आया मगर जो उसका लास्ट वर्ड है वो मतलब डिलीट हो गया और उसके बदले जो है ये MIT इसमें एड हो गए हैं, ठीक है। इट मीन्स कि स्टार्टिंग में जो अरेंजमेंट हो रहा है हमारा उसमें हमारा फर्स्ट जो अल्फाबेट के वर्ड्स है वो अरेंज हो रहे हैं और उसका जो लास्ट नंबर लास्ट अल्फाबेट है वो डिलीट होकर MIT इसमें ऐड हो रहा है। उसके बाद एज यूजुअल जैसे हमारा है ये 30 है, ये यहाँ आ गया, ये ओवरकम यहाँ आ गया, ये ADO यहाँ पे हमारा अरेंज हो चुका है, उसके बाद 67 18 लाई SO, उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ SO यहाँ से होगा SO, उसके बाद ये जो हमारा 85 नंबर है वो यहाँ पे आना चाहिए बट नहीं है। इट मीन्स कि एक ही स्टेप में हमारे नंबर्स और लेटर्स दोनों ही अरेंज हो रहे हैं। और देखिए यहाँ 85 जो है वो -1 होके एक डिजिट घट के 84 लास्ट में हो जा रहा है और ये 85 जो है यहाँ अरेंज हो चुका है स्टेप 1 में और ये 84 हो चुका है और हमारा 74 और कम जो है वो एज यूजुअल आ चुका है। इट मीन्स कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं और राइट हैंड साइड में हमारे नंबर्स अरेंज हो रहे हैं, यानी एक स्टेप में हमारे दो अरेंजमेंट हो रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। अगर आप इसको दिमाग में अपने रखते हैं तो जो क्वेश्चंस आएगा उसको आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके कर सकते हैं। फिर भी अगर आप फर्स्टली इसको कर रहे हैं तो आप इसको साइड में लिख सकते हैं ऐसे कि ये एक लेटर है उसका जो है लास्ट वाला डिजिट जो है उसको हम लोग चेंज करके वहां पे हम लोग MIT कर रहे हैं और उसके बाद इधर से जो भी हमारा नंबर है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से है और जो भी हमारा नंबर है उसमें हम एक -1 करके डाल रहे हैं। ओके, ये हमारा मेथड हो गया।
तो ये हमारा स्टेप वन हो गया। चलिए अब हम लोग स्टेप टू को देखते हैं। यही पैटर्न हमारा स्टेप टू में भी चलेगा। और स्टेप टू में देखिए, ए के बाद हम अगर इसको चेक करें अपने इनपुट को, तो ए के बाद का जो लेटर है वो हमारा सी है। ओके, यहाँ कम लिखा है तो इसका जो ये ई है ये यहाँ पे डिलीट होके एम आई टी जो है यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यस, यहाँ वही चीज हुआ है, देखिए कम का ई डिलीट होके एम आई टी ऐड हुआ है और ये कमिट हो गया। उसके बाद एज यूजुअल जो भी हमारा स्टेप वन का लेटर एंड नंबर है वो वैसे ही अरेंज हो गए हैं। ओके, देखिए, और उसके बाद जो है हमारा सेकेंड जो हाईएस्ट नंबर है हमारा वो अरेंज होगा। तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर हमारा 74 है, तो सेकेंड स्टेप में हमारा ये माइनस वन होके ये 73 हो गया। और सेकेंड अरेंज सेकेंड स्टेप में हमारा नंबर और वर्ड्स जो है वो अरेंज हो गए। वर्ड्स जो है वो लास्ट में जा रहा है लेटर जो है वो लास्ट में जा रहा है, नंबर जो है वो लास्ट में जा रहा है और हमारे लेटर फर्स्ट में आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्टेप टू भी हो गया। स्टेप थ्री को हम लोग देखेंगे, सेम पैटर्न चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये लाई है, ओके, इसका ई जो है वो ओमिट होके एम आई टी एड हो जाएगा, तो वो चीज ही यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद एज यूजुअल जो भी हमारा वर्ड्स और जो भी हमारे नंबर हैं वो ऐड हो जा रहे हैं। हमारा थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, वो 67 है, तो ये 67 जो है ये अरेंज हो गया है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, और माइनस वन करके ये 66 हो गया है। और उसके बाद ये 18 है, 100 है, 84 है और ये 73, ये सब एज यूजुअल वैसे ही आ गए। अभी तक हमारा ये जो सारे लेटर्स एंड वर्ड्स हैं वो अरेंज नहीं हुए हैं। तो स्टेप फोर में हम लोग आते हैं और एल के बाद जो है हमारा वो ओ आता है, तो ये ओवर कमिट हो गया, इसका ई ओमिट होके एम आई टी एड हो गया है। ओके, और उसके बाद जितने भी लेटर्स और वर्ड्स हैं वो सब एज यूजुअल लिख दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो 30 है उसके बाद हमारा फोर्थ हाईएस्ट नंबर है, उसमें से हम लोग इसे माइनस वन करेंगे और ये यहाँ पे 30 जो है वो माइनस वन होके 29 आ गया है। और उसके बाद जो सारे नंबर्स हैं वो सब एज यूजुअल हमारे हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये लास्ट ये जो स्टेप फाइव है ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। जब हम इसे अरेंजमेंट को देखते हैं तो हमारे जो लास्ट लेटर है वो एसओ है, देखिए यहाँ पे एसओ है, तो ये एसओ यहाँ पे एस एम आई टी हो गया है, ओ उसका डिलीट होके एम आई टी एड हो गया है। एंड उसके बाद जो है हमारे सारे लेटर और हमारे सारे वर्ड्स और हमारे सारे नंबर जो है वो वैसे ही अरेंज है। ये हमारा 18 जो है ये लोएस्ट नंबर है और ये यहाँ पे माइनस वन होके 17 हो गया है। उसके बाद ये सारे नंबर जो है वो जैसे थे वैसे ही उतार दिए गए हैं। और ये हमारा स्टेप फाइव, इट मीन्स कि ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया है। जब स्टेप फाइव यानी कि इस इनपुट में टोटल फाइव स्टेप है जिसके बाद हमारा एक आउटपुट निकलता है जो कि सारे नंबर्स और लेटर को अरेंज कर देता है। तो फिर से देखिए फ्रेंड्स कि ये स्टेप फाइव में क्या हो रहा है। हम लोगों का जो है वो याद रखिए, जो लेटर है जो स्टार्टिंग के लेटर है वो पहले आ रहे हैं राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और जो नंबर है वो आपके राइट हैंड साइड से आते जा रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग ए को लिखे हैं तो फिर वो खसक के सेकंड स्टेप में जो है ए के बाद हमारा सी है तो वो सी आ जाएगा। यानी कि जो हम लोग स्टेप करते जा रहे हैं वो हमारा पीछे जाता जा रहा है, और जो नया वर्ड्स या फिर नया वर्ड्स आ जा रहा है वो आगे आ जा रहा है, और जो नए नंबर है वो पीछे से आगे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप है। इस स्टेप को समझ के आपको अपने माइंड में रखना है और उसके बाद उसके बेस्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, इनपुट हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग जो है ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको भी हम लोग बनाएंगे। फ्रेंड्स, जिस इनपुट आउटपुट को अभी हम लोगों ने पढ़ा उस पे बेस्ड ये इनपुट दिया हुआ है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए इस इनपुट को बनाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, इस जो हम लोगों ने पैटर्न को समझा है उसके बाद वो सारे लेटर और सारे वर्ड्स को यदि हम लिखने जाएं और उसको सॉल्व करें तो बहुत ही लंबा समय ले लेगा, और शायद आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है एग्जाम में वो गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग इसको वन लाइन में इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा जो है सिर्फ कंसंट्रेट होकर के, अगर आप कंसंट्रेट होकर इसको समझ चुके हैं और देखेंगे
तो आप सारे आंसर्स क्विकली निकाल सकेंगे। तो हम लोगों का जो आउटपुट था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग फर्स्टली अल्फाबेट्स जो आ रहे थे वो स्टार्ट्स किससे जो अल्फाबेट लिए थे उसके लास्ट लेटर को हम लोग डिलीट करके वहां पे हम लोगों ने MIT किया था। इट मींस जो हमारे वर्ड्स थे अल्फाबेट से रिलेटेड वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे और राइट हैंड साइड से हमारा जो है वो नंबर आ रहा था -1 करके। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे और देखिए इसमें जो सबसे लोएस्ट अल्फाबेट्स है वो कौन सा है। तो जब इसको चेक कीजिए आप तो सबसे लोएस्ट हमारा एच आ रहा है, ठीक है। यानी कि स्टेप वन में जो है हमारा हर्ब जो है ये चेंज होगा और हर्मिट हो जाएगा और ये हमारा स्टेप वन का स्टार्टिंग में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको लेते हैं। इसके साथ और किसका अरेंजमेंट हमें करना है, हमें हाईएस्ट नंबर का अरेंजमेंट करना है। तो इसमें हम लोग हाईएस्ट नंबर को देखेंगे तो ये हमारा 86 है। ओके, तो 86 में -1 करके हम लोगों को 85 रखना है, 85 लाना है। और ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि नंबर्स को हमें -1 करना है और वर्ड्स को हमें लास्ट वर्ड को हटा के लास्ट अल्फाबेट्स को हटा के हमें MIT ऐड करना है। इसको हम लोग अगर माइंड में रखते हैं तो हमारा जो है ये 86 और ये जो हर्ब है ये हमारा स्टेप वन बन जाता है। उसके बाद जो सारे नंबर्स हैं वो एज यूजुअल सारे वर्ड्स एज यूजुअल हमारे स्टेप में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टेप टू को देखते हैं। तो H के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो H के बाद जनरली इसमें से ये इंटर्न आएगा। तो ये इंटर्न जो हमारे ये सेकेंड स्टेप में चेंज होगा और इंटर्न के साथ जो आप हाईएस्ट नंबर को देखेंगे तो हमारा ये 61 हाईएस्ट नंबर है। तो इंटर्न के साथ जो है हमारा ये 61 ये सेकेंड नंबर सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा। उसके बाद आई के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा लेटर है जो हमारा थर्ड स्टेप में आएगा। तो देखिए यहाँ ओ है, यहाँ एस है और यहाँ पी है, तो इस तीनों में से कौन सा लेटर पहले आएगा, तो हमारा ये ओ आ जाएगा वो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। और उसके साथ कौन से नंबर आ जाएंगे, तो हमारा 33, 28, 49 में ये 49 आ जाएगा, तो ये हमारा 49 और ये जो हमारा ऑक्स है ये तीनों मिलके हमारे थर्ड स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो पी के साथ हमारा ये 33 आ जाएगा, देख लीजिए पी के साथ ये इस 33 को हम लोग लेते हैं और ये हमारा फोर्थ स्टेप बन जाएगा। और हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो एस के साथ ये 28 ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो ये इनपुट दिया है ये भी हमारा 5 स्टेप में जो है वो रीअरेंज हो जाएगा, इतना हम लोग इसको समझ सके हैं। देखिए इसमें हम लोगों ने कोई भी कुछ भी लेटर या नंबर्स को राइट डाउन नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों ने स्टेप को अरेंज करके लिख दिया है कि ये हमारे नंबर्स हैं। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसे ऐसे कैसे किया है। देखिए अब इस पे बेस्ड जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन स्टेप 3 तीसरे स्टेप में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 85 एंड द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन। 85 और लेफ्ट इन से जो थर्ड एलिमेंट है हमारे उसके बीच में कितने मार्क्स कितने नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स या लेटर्स जो भी है वो कितने आ रहे हैं। तो देखिए हमारा जो थर्ड एलिमेंट होगा और ये हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप है इट मीन्स कि हमारा एक और दो स्टेप जो है वो दो स्टेप हमारा चल चुका है। ओके, तो दो स्टेप जब जा चुका है तो दो नंबर और दो लेटर, दो नंबर आगे से और दो नंबर पीछे से दोनों अरेंज है, यानी कि हमारे 4 जो लेटर्स और नंबर है वो अरेंज है। और ये हमारा थर्ड स्टेप है तो थर्ड स्टेप में भी हमारा जो एक नंबर है तीसरा नंबर और जो लेटर है वो तीसरा वो दोनों ही अरेंज है। यानी कि थर्ड स्टेप में जो हमारा ये थर्ड में हमारा क्या है, ये यहाँ पे ऑक्स है, यानी कि हमारा फर्स्ट में जो है ये ओमिट आ चुका होगा। ओके, और ये हमारा तो इसके साथ कौन सा नंबर है, ऑक्स के साथ हम देखेंगे तो हमारा 49 है, 40 यानी कि 48 यहाँ आ चुका होगा। और इससे पहले जो है सॉरी 48 जो हमारा है वो लास्ट में आएगा और इससे पहले जो है वो दो नंबर हमारे अरेंज हो चुके होंगे क्योंकि दो स्टेप हम लोगों का पहले हो चुका होगा, ये हमारा तीसरा स्टेप है। ओके,
तो ये जो हम लोगों ने ओमिट लिखा है इससे भी पहले हमारा दो स्टेप जो है वो हो चुका है ओके। उन दो स्टेप का पहला जो है वो हमारा देखिए यहाँ पूछ रहा है 85 एंड द थर्ड एलिमेंट। जब ये हमारा 85 है तो आप क्विकली समझ सकते हैं कि 85 हमारे स्टेप वन में फर्स्ट आया होगा, सेकंड में वो सेकंड नंबर पे गया होगा, तो थर्ड में वो कहाँ जाएगा, वो थर्ड नंबर पे आएगा। तो ये थर्ड नंबर पे हमारा ये 85 होगा थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो 85 होगा और 85 और थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो थर्ड एलिमेंट में कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, जो हमारा फर्स्ट में आया होगा, ठीक है। तो ये बोला है इस यहाँ और इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, हमसे ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ तीन हमारे जो लेटर है वो अरेंज हो चुके हैं और इधर हमारे तीन नंबर अरेंज हो चुके हैं और हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 है, ठीक है। जो कि पांच स्टेप है और हर स्टेप में हम लोग दो तो एक लेटर और एक नंबर को कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट है। तो 10 में से तीन इधर से और तीन इधर से अरेंज है और 85 और ये जो थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड है तो उनके बीच हमारा कितना हो जाएगा, 6 नंबर और लेटर हमारे अरेंज है तो इनके बीच जो है वो 4 जो है वो नंबर और लेटर्स आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मोर देन 3। अब आया सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप टू। स्टेप टू में हमारा सिक्स्थ एलिमेंट कौन सा है ओके। तो देखिए स्टेप टू में हमारे इधर से दो नंबर और दो लेटर अरेंज है ओके। तो ये जो दो नंबर है वो कौन सा होगा, है ना। तो फर्स्ट में जो हमारा नंबर है वो आ जाएगा, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है तो फर्स्ट में हमारा एच आ जाएगा और जब ये एच आएगा तो इसके साथ साथ हमारा एक नंबर भी है, ये हमारा लेटर है, सॉरी मैंने यहाँ नंबर लिख दिया है, ये हमारा लेटर है। तो यहाँ पे हमारा एच आ चुका है तो इसके साथ एक नंबर यहाँ अरेंज हुआ है ओके। और स्टेप टू में यहाँ पे जो लेटर है स्टेप टू का हमारा लेटर आई है तो यहाँ आई अरेंज हुआ है और इसके साथ भी एक यहाँ नंबर अरेंज है। इट मींस कि हमारा जो नंबर है वो देखिए कौन सा अरेंज हो गया है, ये 61 अरेंज है, उसके बाद ये 86 अरेंज है। अब हमसे पूछ रहा है कि लेफ्ट एंड से हमारा सिक्स एलिमेंट कौन सा होगा। तो देखिए ये अरेंज होके पीछे जा चुका है और ये 86 भी अरेंज होके पीछे जा चुका है। तो इसको छोड़ के जो 6 एलिमेंट्स आगे से आप देख लीजिए, अगर एच और आई अरेंज हो चुके हैं तो उसके बाद ये H ये फर्स्ट, ये I सेकेंड, ये O थर्ड और ये उसके बाद 33 फोर्थ और ये सम्स फिफ्थ और ये जो 28 है ये हमारा सिक्स एलिमेंट हो जाएगा। इसको आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो हमारा सेकेंड में हम लिखेंगे वो हम लोग I को लिखेंगे और उसके बाद H को लिखेंगे और उसके बाद जो है ये हमारा एच के साथ जो है 85 बन के अरेंज होगा और आई के साथ हमारा सेकंड स्टेप में 61 जो है वो 60 होके यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद एज यूजुअल जितने भी हमारे नंबर्स या लेटर्स से हमें उसे लिख देना है तो हमारा ये 61 चला गया तो यहाँ पे ऑक्स आएगा, उसके बाद ये 33 आएगा, उसके बाद ये हमारा एस आएगा और ये हमारा 28 आएगा, 49 आएगा और पी आएगा। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया और यहाँ इसमें हमसे पूछ रहा है कि सिक्स एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये जो 28 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड का आंसर था, आई होप आपने इसे समझा होगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है इंटरमिट इज रिलेटेड टू 85 इन द सेम वे एज ओमिट इज रिलेटेड टू 60 इन स्टेप 5। तो फॉलोइंग द सेम पैटर्न विच एलिमेंट इज परमिट रिलेटेड टू द स्टेप 5। यानी कि स्टेप 5 में कुछ चेंजेस बताया गया है और बोल रहा है उसी को फॉलो करते हुए स्टेप 4 में जो है वो कौन से एलिमेंट्स परमिट के साथ रिलेट करेंगे। तो देखिए स्टेप 5 जो है हमारा वो लास्ट स्टेप था ओके, क्योंकि 10 एलिमेंट्स है, हर जगह दो चेंजेस हो रहे हैं तो 5 हमारे 5 जो है हमारा लास्ट चेंजेस है। तो जब मेरा लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए लास्ट स्टेप में हमारे सारे नंबर और सारे लेटर जो है वो अरेंज हो चुके हैं। तो जब हमारा फर्स्ट स्टेप है तो यहाँ एक जो है वो हमारा लेटर L1 जो है, मान लीजिए L1 जो है हमारा ये अरेंज हुआ है। सेकंड स्टेप में हमारा L2 अरेंज हुआ है,
थर्ड स्टेट में हमारा लेटर थर्ड अरेंज हुआ है, एल फोर में फोर और एल फाइव में फाइव अरेंज हुआ है। इसी तरह एल वन के साथ ये नंबर आया है, ठीक है, और उसके बाद एन टू अरेंज हुआ है स्टेप टू में, स्टेप थ्री में एन थ्री, स्टेप फोर में एन फाइव और स्टेप फाइव में एन फाइव अरेंज हुआ है। तो ये हमारा अरेंज है। अब हमसे बोल रहा है कि इंटरमिट इज रिलेटेड टू 85। अब इंटरमिट देखिए, ये इंटर्न है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, इट मीन्स इंटरमिट हमारा यहाँ आएगा। अब बोल रहा है कि इंटरमिट इज रिलेटेड टू 85। 85 हमारा फर्स्ट स्टेप में है, तो यहाँ पे हमारा 85 है। तो बोल रहा है कि इंटरमिट इज रिलेटेड टू 85 इन द सेम वे ओमिट इज रिलेटेड टू 60। ओमिट हमारा देखिए, ओमिट हमारा थर्ड स्टेप में है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप है और बोल रहा है ओमिट इज रिलेटेड टू 60। 60 हमारा सेकेंड स्टेप में है, यानी बोल रहा है कि ओमिट हमारा इससे रिलेट कर रहा है। ओके, अगर हमारा इंटरमिट 85 से रिलेट है और ओमिट हमारा 60 से रिलेट है, तो स्टेप फोर का पूछ रहा है। तो स्टेप फोर में क्या हुआ होगा फ्रेंड, स्टेप फोर में जो है ये जो एल फाइव है, लेटर फाइव है, ये भी अरेंज नहीं हुए होंगे और नंबर्स भी इसके अरेंज नहीं हुए होंगे, तो उसके नंबर्स और लेटर जो है यहाँ कहीं पे होंगे। ओके, लेकिन हमसे पूछ रहा है एल फोर में कि परमिट किसके साथ रिलेट कर रहा है। तो परमिट देखिए, परमिट हमारा स्टेप फोर का है पी। ओके, तो ये हमारा रिलेट किससे करेगा, इससे। अब ये जो परमिट है ये एन थ्री यानी कि थर्ड स्टेप के जो नंबर है उसके साथ ये रिलेट करेगा। तो थर्ड स्टेप का हमारा नंबर कौन सा है, 49। 49 में से 1 माइनस करेंगे, इट मींस जो हमारा परमिट है वो 48 के साथ मतलब रिलेट करेगा। तो हमारा जो है आंसर नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड स्टेप फोर। स्टेप फोर का जो है हमारा राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है, और फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड स्टेप फाइव। स्टेप फाइव में जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है, ऑब्वियसली ये दोनों नंबर्स ही होंगे क्योंकि ये लास्ट के स्टेप्स है और तब तक जो है हमारे नंबर्स जो है वो राइट हैंड साइड में अरेंज हो चुके होंगे। तो फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप फोर एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप फाइव, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को पूछा गया है। तो चलिए, फोर्थ एलिमेंट में हमारा फोर्थ जो है, फोर्थ स्टेप में हमारा फोर्थ एलिमेंट कौन होगा, तो जो हमारा फोर्थ एलिमेंट होगा उससे पहले हमारे तीन नंबर जो है वो अरेंज हो चुके होंगे। और नंबर कैसे अरेंज हो रहे हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट है वो इधर चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में ये चार नंबर्स जो है ये अरेंज हो चुके हैं। तो हमारा जो यहाँ से स्टार्ट है, तो जो हम देखेंगे फोर्थ स्टेप, हमारा फोर्थ स्टेप में हमारा नंबर्स कौन सा है, ये 33। ये 33 यहाँ पे 32 हो गया। और उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा जो नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। तो हम लोग थर्ड स्टेप को देखेंगे। थर्ड स्टेप में हमारा ये 49 है, माइनस होके 48 होगा। सेकंड का ये हमारा 61 है, ये 60 होगा। और हमारा जो राइट हैंड साइड से फोर्थ एलिमेंट है वो स्टेप वन का जो नंबर है वो होगा, तो वो हमारा 85 है। यानी हमारा फोर्थ स्टेप में जो है फोर्थ एलिमेंट कौन सा हो गया, वो 85 हो गया। उसी तरह जो ये फिफ्थ एलिमेंट है, देखिए फिफ्थ एलिमेंट में हमारे पांच नंबर अरेंज हो गए होंगे, ठीक है। अब आप यहीं से देखिए, पांच नंबर अगर अरेंज हो गए होंगे तो एक नंबर यहाँ ऐड हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड हुए हो, यहाँ हम लोगों को पता है कि फिफ्थ में चलिए 27 है। ओके, मान लीजिए हमें नहीं भी पता हो क्योंकि हमसे पूछा है फोर्थ एलिमेंट, तो आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 फिफ्थ स्टेप का जो है वो 60 हो जाएगा हमारा फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ स्टेप में हमारा फोर्थ एलिमेंट 85, फिफ्थ स्टेप में हमारा फोर्थ एलिमेंट 60 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो 85 में जब हम 60 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा और यही 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर 5 जो है वो आंसर होगा, अदर देन दोस गिवन एज ऑप्शन। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में है, इन स्टेप 5 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट अपीयर बिटवीन परमिट एंड द फोर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट एंड।
ठीक है, तो हम इसमें बोल रहा है कि स्टेप फाइव में परमिट और फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइटिंग के बीच इन ऑप्शंस में से कौन से नंबर या लेटर्स नहीं होंगे। तो देखिए जो ये स्टेप फाइव है तो हमारे जो पांचों नंबर और पांचों लेटर अरेंज हो गए होंगे। तो यहाँ जब 60 से पूछ रहा है इट मीन्स जो भी हमारा नंबर इधर होगा ओके वो सब हाईएस्ट नंबर होगा ओके, और इधर जो होगा वो लोएस्ट नंबर हमारा होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 60 और परमिट इधर कहीं होगा। तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो पहले आप नंबर देखिए, ये जो हमारा नंबर 32 है वो तो 60 के बाद कहीं अरेंज हुआ होगा, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं जो हमारा नंबर अरेंज हो रहा है वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है ओके। जो हमारा बड़ा नंबर है वो खिसकते जा रहा है, तो हमारा जो ये 32 होगा ऑब्वियसली 60 के बाद कहीं होगा। तो उसको तो हम लोग देख के डायरेक्टली ही बता सकते हैं कि हमारा आंसर फोर्थ होगा ओके। लेकिन फिर भी अगर इसे स्टेप वाइज समझाना हो तो स्टेप फाइव को आप लिखिए ओके। स्टेप फाइव को लिखना बहुत ही इजी है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए हमारा ये स्टेप वन है, तो हम लोग यहाँ एच लिखेंगे, एच के साथ यहाँ 86 अरेंज होगा। स्टेप टू में यहाँ आई है, आई के साथ हमारा ये 60 यहाँ अरेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप थ्री को देखिए, स्टेप थ्री में हमारा ओ है और यहाँ पे 48 हो जाएगा। स्टेप फोर में हमारा पी है और यहाँ 32 हो जाएगा। और स्टेप फाइव जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें यहाँ एस है और यहाँ 27 है। तो बोल रहा है ये परमिट और इस 60 के बीच में इनमें से कौन से नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली देखिए 32 60 के बाद है, तो आंसर नंबर फोर हमारा आंसर हो जाएगा।